खौफ में इजराइल, ईरान का एटम बम तैयार। बातें और दावे तो बहुत दिनों से हो रहे हैं कि ईरान इजराइल से हमास चीफ इस्माइल हानिया के बदला जरूर लेगा, लेकिन हमास चीफ हानिया की हत्या के 16 दिन बाद भी ईरान ने इजराइल पर एक भी गोली अभी तक नहीं चलाई है। आखिर ईरान इतना ज्यादा वक्त इजराइल पर हमला करने में क्यों लगा रहा है? इस सवाल का एक जवाब ये है कि ईरान इजराइल पर बहुत बड़ा परमाणु हमला करना चाहता है ताकि इजराइल को दोबारा हमला करने का मौका ही ना मिले। ईरान से जुड़े इस सनसनीखेज खबर ने इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन तक ईरान की एटमी तैयारी से खौचक्के रह गए हैं। इंटरनेशनल मीडिया में छन छन कर आ रही खबरों से पता चला है कि ईरान इजराइल पर बड़ा हमला करने से पहले एक जबरदस्त परमाणु धमाका करने जा रहा है ताकि इजराइल और उसके दोस्तों को साफ संदेश दिया जा सके कि अगर ईरान को इजराइल ने दूसरा गाजा बनाने की कोशिश की तो ईरान इजराइल को परमाणु बम की आग में भस्म कर देगा। जरा देखिए ईरान के परमाणु हमले को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। खुफिया एजेंसी को भनक लगी है कि ईरान इस वक्त अंदर ही अंदर परमाणु बम से जबरदस्त हमला करने की तैयारी में जुटा है। दावा तो यहां तक किया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने कुछ चुनिंदा टॉप कमांडरों को आदेश दे दिया है कि ईरान इजराइल पर एटम बम से हमला करना चाहता है। हालात ये हो गए हैं कि ईरान की परमाणु तैयारी को देखते हुए पीएम नेतन्याहू ने एक बड़ी मीटिंग की है जिसमें ये समझने की कोशिश की गई है कि अगर ईरान इजराइल पर परमाणु बम से हमला करता है तो इजराइल ऐसी स्थिति में अपने बचाव के लिए क्या क्या कदम उठा सकता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान लगभग 12 परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है जो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बेहद खौफनाक है, खास तौर से इजराइल के वजूद के लिए। ईरान अपने बेहतरीन ड्रोन और मिसाइलों के लिए मशहूर है। दावा किया जाता है कि ईरान के पास लगभग 48 से ज्यादा ऐसे बंकर हैं जिसमें घातक मिसाइलें मौजूद हैं। दिक्कत यह है कि ईरान से इजराइल के बीच की दूरी 1700 से 2000 किलोमीटर तक है। ऐसे में इजराइल के पास एक ही रास्ता है कि उसे इजराइल पर हमला करने के लिए ऐसी मिसाइलें मिले जो इजराइल को एक ही हमले में दबा करके रख दे। इसी जरूरत को ध्यान में रखकर ईरान ने अभी तक इजराइल पर घातक हमला नहीं किया है क्योंकि चीन और रूस ने ईरान को बड़े हमला करने से पहले पूरी तैयारी करने को कहा है। खास तौर से ईरान को 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली ऐसी मिसाइलों से रूस और चीन लैस करना चाहते हैं जो इजराइल को बचने का मौका ही ना दे। यानी ईरान की राजधानी तेहरान से इजराइल के तेल अबीब पर सीधा और बड़ा हमला राष्ट्रपति पुतिन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को साफ संदेश दे चुके हैं कि रूस और चीन आखिरी दम तक ईरान के साथ हैं। खबर है कि रूस ने अपने लड़ाकू परिवहन विमान से दर्जनों परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें तेहरान पहुंचा दी हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर तेहरान ने इनमें से एक भी मिसाइल से इजराइल पर हमला किया तो इजराइल का विनाश कोई रोक नहीं सकता है। We are looking on this Iranian network that blew a deadly explosive inside Israel, and we will act against the Iranian terror wherever it is. We will not get any Iranian explosive devices here and not do anything. We will act determinedly against the Iranian terror wherever it is. ईरान की मिसाइल जरूरतों के मद्देनजर उसे रूस ने इस्कंदर मिसाइलें दी है। ईरान को इजराइल तक पहुंचने के लिए लगभग 1200 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइलों की आवश्यकता है जबकि इस्कंदर सिस्टम की मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक है। लेकिन रूस ने ईरान को जो इस्कंदर मिसाइल दी है वो लेटेस्ट वर्जन की है। इजरायली मीडिया के मुताबिक रूस ने ईरान को 1500 किलोमीटर तक हमला करने वाली R-500 क्रूज मिसाइलों के साथ इस्कंदर के सिस्टम दिया है जो ईरान को जबरदस्त मिसाइल पावर दे रहा है। इस्कंदर के लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु क्षमता वाली मिसाइल है। इसके अलावा रूस का मरमंक्स BN सिस्टम ईरान को दिया गया है। इजरायली विदेश मंत्री इजराइल गार्ड्स का साफ कहना है कि ईरान इजराइल पर बहुत बड़े हमले का प्लान बना चुका है। यानी ईरान अब रूसी मिसाइलों से इजराइल पर हमला करने जा रहा है। و فکر میکنه که میتواند کشترها را با ترور دانشمندان هسته‌ای را در خیابان‌ها ترور کند تا یک کشتر
کشور است دستیابی به انرژی هسته‌ای باز بماند. این مضحک‌ترین استراتژی است برای دستیابی به یک هدف سیاسی. पूर्व रक्षा मंत्री और वर्तमान में रूसी संघ के सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु तेहरान में जिस वक्त ईरान के आईआरजीसी के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी से मिल रहे थे, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि रूस में इजराइल ईरान युद्ध में कितना बड़ा खेला कर दिया है। इजरायली मीडिया के दावों के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में गुप्त मीटिंग हुई है जिसमें रूस ने तुरंत ही ईरान की सभी मांगे मान ली हैं। दावा किया गया है कि रूस की तरफ से पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने आईआरजीसी के टॉप कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी की और उन्हें परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें देने का रास्ता साफ कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद सैन्य परिवहन विमान IL-76 ने रूस से उड़ान भरी जिसने ईरान के गुप्त ठिकाने पर रूसी इस्कंदर मिसाइलों को ईरान पहुंचा दिया है। इसके अलावा रूस ने ईरान को उपग्रह नेविगेशन सिस्टम मरमंक्स BNEWS भी दिया है। रूस की इस्कंदर परमाणु क्षमता वाली मिसाइल कुछ मिनट में ही तैयार की जा सकती है। इस मिसाइल के मिलने से ईरान अब इजराइल में घुसकर कभी भी इस्कंदर मिसाइल से हमला कर सकता है, जबकि रूस का उपग्रह नेविगेशन सिस्टम मरमंक्स BNEWS ईरान को ऐसी क्षमता देगा कि इजराइल के लड़ाकू जेट और मिसाइलें हमला तक नहीं कर पाएंगी। ईरान इस वक्त अपने परमाणु बंकर से मिसाइलों को तेजी से लबनान और सीरिया में गुप्त ठिकानों तक पहुंचाने में जुटा है। आईआरजीसी के टॉप कमांडरों को साफ आदेश है कि कम से कम मूवमेंट की जाए, इजराइल के जासूसी नेटवर्क को चकमा देते हुए मिसाइलों को अड्डों पर पहुंचाया जाए। खबर तो ये भी है कि रूस के कुछ कमांडर गुप्त तरीके से ईरान की जबरदस्त मदद कर रहे हैं। इधर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ईरानी अखबार कहान में लेख लिखा है कि पिछली बार ऑपरेशन में ईरान ने इसराइल के सिर्फ कुछ ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन अब इसराइल के अंदरूनी इलाकों जैसे तेल अवीव और हाइफा रणनीतिक केंद्रों पर हमला होगा। खामनेई ने ये भी लिखा है कि हानिया की हत्या में शामिल इसराइली अधिकारियों के घरों को निशाना बनाया जाएगा। इस बार का हमला बड़ा खतरनाक होगा जिसे इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होगा। रेजिम सहयोनी जनायतकार व टेररिस्ट با این اقدام زمینه مجازات سختی را برای خود فراهم ساخت و خونخواهی او را که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید وظیفه خود می دانید.